अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थरी गीत यूट्यूब चैनल और मैं हूं जेतमाल सोडो। दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं थर पार्कर का एक कुआं। यहां पे लोग पानी निकाल रहे हैं कुएं से। यहां कुएं का पानी पीने के लिए और जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन जानवरों को इस तरह से एक लकड़ी की मदद से जोड़ा जाता है आपस में, और इन जानवरों को जोड़ लेने के बाद जो है इनको कुएं पे लाया जाता है और इनसे पानी खींच कर कुएं से बाहर निकाला जाता है। ये थरपारकर का एक कुआं है, हमारे गांव का कुआं है। यहाँ पे लोग पानी कैसे निकाल रहे हैं आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। इस लंबी रस्सी की मदद से इस कोस को इस तरह से अच्छी तरह से बांध कर जोड़ा जाता है। इसको हम कोस बोलते हैं, जिसको ये बंदा जोड़ रहा है आपस में। इसको जोड़ लेने के बाद इसको कुएं में छोड़ा जाता है। इस रस्सी की मदद से इसको कुएं में छोड़ा जाता है और उसके बाद जो है इस कोस की मदद से पानी निकाला जाता है कुएं से। यह 280 फुट के नज़दीक कुएं होते हैं गहराई में, और इस कुएं की हिसाब से ही इस रस्सी को बनाया जाता है। जितना कुआं गहरा होता है उसके ही मुताबिक इस रस्सी को बनाया जाता है। इसको हम वर्त बोलते हैं, तो इस वर्त की मदद से पानी निकाला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इन गहरे कुओं से पानी खींच कर निकाला जाता है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है जो आवाज़ देता है जाने वाले बंदे को, और तब वो बंदा वापस आता है। और इस तरह से यह होज जो है ये पानी का भरा जाता है, और उसके बाद जो है अपने माल मवेशी को लाया जाता है और ये पानी पिलाया जाता है। आप देख रहे हैं इस ऊँटनी को लाया जा रहा है और पानी पिलाने के लिए। यहाँ पे ऊँटनी पानी पीने के लिए आई, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इस तरह से इस पानी को इकट्ठा किया जाता है और माल मवेशी को पिलाया जाता है। साथ में जो है यही पानी जानवरों की मदद से अपने घरों तक पहुंचाया जाता है और पानी पीने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई गाड़ियों का शोर नहीं, यहाँ
परंदों के मीठे मीठे सुर जो है सुनाई दे रहे हैं और खूबसूरत मनाजर है, बहुत ही खूबसूरत मनाजर होता है थार पारकर में। यहाँ पे कोई शोर नहीं होता और बहुत ही सुकून से जो है ये जानवर पानी पीते हैं और परंदों की आवाज़ें मीठी मीठी सुर जो है वो सुनाई देती है। और इस तरह से इस रवां दवां जिंदगी का सफ़र जारी रहता है। ये जानवर जो हैं इनकी मदद से पानी घरों तक लाया जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, दूसरी वीडियो तक हम लेते हैं इजाज़त। अल्लाह के बाद।